राम राम भाई शारण है और भाई सब ठीक हो और भाई मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों एक यो जो आज का जो व्लॉग है यो भाई मैं डालना भूल गया था, भैया का भी मैसेज आया कि भाई आपने हमारा वीडियो भी बनाया और आपने डाला भी नहीं, तो भाई इस गलती की भाई मैं माफ़ी चाहूँ। और भाई थोड़ा हा ज्ञान थोड़ा कम है तो भाई इस वजह से व्लॉग आगे पीछे का हो जाता है, भाई आपके भैया से थोड़ा सीखेंगे और कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। तो बाबा छोटूनाथ के डेरे पे शाम का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उस दिन भी जनता खूब आए थे और भाई साधु संत और भाई ये जो आ रहे हैं ये भी बहुत बढ़िया संत भाई इन्हें की माया है। तो दोस्तों हरियाणा में संस्कृति सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हरियाणा में संस्कृति एक सांग होता था जो पहला तख्तों पे खड़े होकर गाया करते बिना माइक से गाया करते, आजकल इतना टेक्नोलॉजी होगी मीडिया की माइक आ गया हर चीज़ में, कुछ भी करो माइक से बोलो आपकी आवाज़ डबल जाएगी। तो दोस्तों ये अपना हरियाणी संस्कृति कार्यक्रम भाई देखते रहिया करो, इसमें बहुत बड़ी ज्ञान की बात ये बतावन है जो आज का अपन टेप नहीं है, तो बड़े बूढ़े दादा की बात सच्ची आ गई भाई अच्छे मानस हम बैठा करो, तो भाई ज्ञान की बात यहाँ से बहुत बढ़िया मिलती है। राम राम भाई सारे भाइयों ने। और भाई आज 27 तारीख और भाई बाबा का प्रोग्राम चालू हो रहा है, ये भाई हमारे बाबा कन्हैयानाथ जी। और भाई ये बाबा छोटूनाथ मंदिर, ये बाबा छोटूनाथ भाई और ये बाबा रामनाथ जी महाराज। और आज मंदिर को बहुत बड़ी धूमधाम से सजाया गया है, हर तरफ लाइट ही लाइट और डेकोरेशन बाबा छोटूनाथ मंदिर। और भाई बाबा छोटूनाथ पर भगत कल के मेले के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं भाई, हरे भाई सेवा कर रहे हैं बढ़िया डाल भाई, कल क्या है बहुत ज़्यादा भीड़ रहा है तो भाई पोचा पाचा पानी पूनी की व्यवस्था कर रहे हैं और मंदिर की डेकोरेशन बहुत बढ़िया कर रहा है। फिलहाल भाई हर तरफ आप देख पा रहे हो लाइट ही लाइट नज़र आ रही है, बाबा का प्रोग्राम कल 28 तारीख का भंडारा। तो दोस्तों आज देख पा रहे हो लाइट लाइट और भगत सेवा कर लग रहे हैं रातों रात में, और मंदिर को इतना बढ़िया सजा दिया भाई बहुत बढ़िया आज लग गए है। तो दोस्तों पूरी तरह लाइट के द्वारा मंदिर ने सजा दिया भाई, जितनी डेकोरेशन कर रखी मंदिर की बहुत बड़ी डेकोरेशन कर रखी है, देख लो आप इतनी बढ़िया मंदिर की डेकोरेशन कर रखी है, चारों तरफ से लाइट ही लाइट सजा रखी है। हे शिव जी शिव जी बड़े भंडारी। अरे भाई ये सारे सेवक बैठे हैं भाई अपने, कल जो भी प्रोग्राम होगा भाई ये भाई ये संभालेंगे, ये अपने सारे अड़े बैठे हैं आराम से और जो कल जो प्रोग्राम करेंगे भाई ये संभालेंगे पूरे दिन इनमें का वो रहेगा। और जो टेंट लगा रखे भाई कल याडे जी मनवार चल रही भाई भंडारा का प्रसाद आड़े मिलेगा, आप देख पा रहे भाई बहुत बढ़िया प्रबंध कराया गया है, ऊपर ये टेंट देख रहे हो आप, इसमें सिर्फ अपने भाई माता बहन इसमें प्रसाद ले सकेंगी और बहुत बढ़िया मंदिर बाबा छोटूनाथ का।
बढ़िया बार है भाई, कती एक नंबर का। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हाँ सारे काम के हैं भाई। भाई मंदिर में आप देख रहे हो सारे भगत जना ना भाई, एक नंबर की। भाई आपने यह डेकोरेशन देख रही हो भाई, एक बार भाई कैमरा घुमा होगा, एक बार कैमरा कर भाई, इन्होंने डेकोरेशन देख भाई, बगा बहुत सहयोग दे रहे यार कमेट। और डेकोरेशन बहुत अच्छी है भाई। और गाँव ले भाई बस ले दिन भाई, हाँ मैं ना बता। मेरा गांव झाड़ली है ब्राह्मणवाड़ी, हाँ जी छोटू नाथ महाराज जी के आते हैं हम हर साल मेरा है, जब से यहाँ से आने लगे जब से इन शर्म गणी आओ है इन बड़का ने। और भाई हमारे गांव के मिले हैं भाई गज्जू परमार है, और भाई तनावसरी के है पंजाबी का है रोहित साहू भाई पंजाबी तो भाई कह दिया अगर। और भाई जी साल लग रहा अभी पापा पा के बस कोई बात नहीं, देख पा रहे हो टेंट का मामला में थोड़ा ज्यादा इसमें डेकोरेशन दी है, क्योंकि बाबा सुटनाथ का मंदिर है, बाबा अपने हुक्म तो अपना आप काम बनवा दे सारा, किसी की कहनी जरूरत को नहीं। अरे बात करा अपने मंदिर की भाई छोटू नाथ बाबा की, इसकी भाई महिमा नारी है। कल प्रोग्राम बाबा छोटू नाथ का मेला और उसके खातर बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है, अच्छी तरह मंदिर सजा रखा है बाबा छोटू नाथ का। आप देख पा रहे हो मंदिर बढ़िया मैनू भाई सारी, और भीड़ इनका बहुत ज्यादा है सांग में, ना तो इतनी भीड़ सांग में नहीं हुआ अगर जितनी ईब है, देखो कितनी की भीड़ हो रही है। महामंडलेश्वर महंत माते श्री उर्मिला जी अपने तरफ से जो तनु का 400 रुपए से पहले सम्मान कर चुकी हैं और 200 रुपए से 400 रुपए से और सम्मान करती हैं, ये बहन लीली कला रोड से वो भी अपने तरफ से दोनों का Come on.
सिंह ये मेरे आदरणीय दादा जी हाँ ये दिलबाग पपोसा हाँ मदन सिंहपुर हाँ राजेंद्र सिंह मास्टर दादा भाई बॉक्सर